नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय भारत, सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल और आप देख रहे हैं दी पब्लिक न्यूज चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चुने गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है। काफ़ी मुश्किलों के बाद वो प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, क्योंकि वहीं पे अड़चन हटाने वाले कैप्टन वहाँ पे काफ़ी अड़चन अड़ाई कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाने से कैसे ना कैसे रोका जाए, लेकिन आखिर सिद्धू कामयाब हुए और प्रदेशाध्यक्ष बन गए। पंजाब कांग्रेस के कमान नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में आने के साथ ही जश्न का माहौल जारी है। जी हाँ, जश्न का माहौल जारी है। कल उनके घर पर आने वालों का तांता लगा है, चाहे कोई भी हो, छोटे से वर्कर से लेकर बड़े वर्कर तक, यहाँ तक कि कैप्टन भी पहुँचे और बात काफ़ी गर्मा गर्मी तक भी पहुँच गई थी। उससे पहले बड़ी खबर पर नज़र डाल लेते हैं कि सिद्धू मंगलवार को अमृतसर पहुंचेंगे, वहीं अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। घर में हर तरफ उत्सव का माहौल है। मंगलवार को सिद्धू के अमृतसर आने पर स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई है और रात रविवार देर रात सिद्धू पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेसों में भारी उत्साह है। जिला कांग्रेस की प्रधान जितेंद्र सोनिया ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। यूथ कांग्रेस प्रधान के घर भी सिद्धू पहुँचे और उन्हें भी हर तरह से सहायता करने का या हर तरह से उनके आश्वासन पूरे करने का, युवाओं के मुद्दों को हल करने का आश्वासन भी दिया। इसी बीच बात जब मज़ेदार बन गई, हालांकि हमें खबर सूत्रों के हवाले से मिली है कि जब कैप्टन सिद्धू के घर बधाई देने पहुंचे तो आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू तो काफ़ी मजाकिया किस्म के हैं, काफ़ी मजाक करते हैं और काफ़ी डायलॉगबाजी भी करते हैं। तो उन्होंने मजाक में कैप्टन को काफ़ी गालियाँ दी और कैप्टन को यहाँ तक भी ये कहा कि आपने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर सिद्धू कामयाब हो गया क्योंकि सिद्धू सिद्धू है। इसी बीच कैप्टन काफ़ी नाराज भी नज़र आए, हमें अभी तक यहीं तक खबर मिली है। और इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू के कमान संभालने के बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी उत्थान करने वाली है पंजाब के अंदर। इस बार कांग्रेस भारी मात्रा में अपने वोटों को बटोरने वाली है। पंजाब ही नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रदर्शन देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में देखा जा सकता है। कांग्रेस धीरे धीरे अपनी जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दी पब्लिक चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।